मुझे नहीं ऐसा फिर दूरो एक मिनट पूछ खालसा वाहगुरु जी की फतेह। आप जी सारी संगत जानते ही हो कि दसवें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव जिहड़ा है कि 17 तरीक नूं आ रहा है। पुन्न की सारी संगत नूं मेरी तरफों लख लख बधाई होवे अते पुरानी पुन्न की संगत कमेटी की तरफों सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, क्योंकि जिस तरह के गुरुद्वारा सिंह साहब के बीच अज दो तीन दिन तो प्रोग्राम चल रहा है, साढ़े पुरानी पुन्न गुरुद्वारा साहब के बीच भी जी है कल तो लैके रात का प्रोग्राम जोड़ा है 14 तरीक तक चलेगा। उस तो बाद अखंड पाठ साहब जी रखाए जाएंगे तो बड़ी धूमधाम से श्रद्धा के नाल गुरु गोबिंद सिंह का गुरपुरब मनाया जाएगा। खास करके पुराने पुंज से गुरुद्वारा साहब के भी जी प्रभात फेरियां वो 13 तरीक तो सवेरे शुरू हो सारी संगत को बेनती की जाती है कि खालसा चौक तक जिते तक जी संगत भी है गुरुद्वारा पुराने पुंज से कंटैक्टेड जा पूछ सकती है सवेरे प्रभात फेरिया पूछें। प्रभात फेरी जी है गुरु घर के 5:30 बजे निकलिया करेगी तो सारी संगत को बेनती की जाती है कि प्रभात फेरी के भी शामिल हो ताकि गुरु साहब का जो पुरब है जो बड़े सचे ढंग मनाया जाए। आप जी जानते ही हो कि पुराने पुंज गुरुद्वारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जरा बाकी रहा है, क्योंकि होर भी गुरुद्वारे काम शुरू से दास ने थोड़ा घट किया तो हूँ जो प्रोग्राम ज गुरु घर जरा कंस्ट्रक्शन का काम द्वारा जो है शुरू किया गया, जिस एक मुसाफरखाना बना के तैयार किया गया, सिर्फ उस सफेदी वगैरह ज बारी दरवाजे जो लगाने बाकी रहने टैल मारू लगाना रहना है। नाल ही उपर जो लाल लंगर हाल के उपर लास्ट बिल्डिंग लास्ट छत थी, क्योंकि उस हाइट बहुत है उसकी 60-70 फुट हाइट बन जाती है सारी, तो क्योंकि उत्थे बच्चे आते जाते उपर बुन तो कोई बच्चा टे जाता है, इस करके उत्थे भी ग्रिल जी है ग्रिल का काम शुरू है ग्रिल ही लगा रहा है। संगत को बेनती की जाती है कि जोड़ा कोई वीर मेरा सेवा करना चाहे गुरु घर के सेवा कर सकता है, क्योंकि पुंज के खास करके साडे गुरुद्वारे जो प्रोग्राम होंगे कोई तो बहर तो रागी सिंह या ढाडी सिंह आते हैं तो साढ़े को उन्होंने वास्ते रहने वास्ते जगह नहीं सी, खास करके महल के संगत जिस तरह हिंदू बरादरी के बीच कई बार उन्होंने प्रोग्राम होंगे जो जिस तरह के तारा डुबदा जा चढ़ता है, तो बाकी और भी मुसाफिर जो मिनट तो दूर दूर तहसील के काम वास्ते आते हैं, गरीब लोग हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च करके होटल भी नहीं रह सकते, उन्होंने वास्ते ये मुसाफरखाने की बहुत जरूरत है, वो मुसाफरखाना जो आसान ने बनाया है। बाकी भी कोई किसी कम्यूनिटी का आदमी जो है गरीब आदमी जो आदमी गुरु घर के इतने आके कुछ देर तो बाद गुरु गोबिंद सिंह के गुरुपुरु से कुछ उद्घाटन करना सी, लेकिन काम पूरा हो नहीं सकया है तो विसाखी तक जो है असं उसको चालू करेंगे। मैं सारी संगत को बेनती करता हाँ जो कोई मदद करना चाहे गुरु घर की सेवा करना चाहे वो कर सकता है, तो बाकी जो गुरु गोबिंद सिंह का गुरुपुरु है मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के जिसे तक मेरी मीडिया राही मेरी आवाज़ आती है मैं सारी संगत ने अपील करता हाँ कि रात का रोज़ का दीवान जोड़ा है कल तो 12 तरीक तो शुरू होएगा, जिसका टाइम 8:30 बजे भोग पजाया करेगा, तो उस तो बाद जो है कि 14 तरीक तक चलेगा, 14 से 15 तरीक तक अखंड पाठ साहब जी रखे जाएंगे, उस तो बाद जो है कि प्रभात फेरी जी 13 तरीक तो शुरू होगी। सारी संगत को मैं हाथ जोड़ के नम्रता से बेनती करता कि गुरु गोबिंद सिंह जी सर्वसदानी के जन्मदिन के जी सारी संगत जी हम आगे सच्चे ढंग जिस तरह के बाकी गुरु नानक देव जी का गुरुपुरु मनाते हो इस तरह गुरुपुरु जोड़ा है ये भी इस गुरुपुरु में फर्स्ट क्लास ढंग मना शौक रखते हैं, इस करके सारी संगत को अपील है कि वध तो वध संगत जी गुरु घर की पहुंचने की कृपालता करे, रात का लंगर जरा डेली जो लंगर की परंपरा साढ़े गुरुद्वारे की है डेली लंगर बरतेगा, सारी संगत को बेनती की जाती है बगैर मजबूत मिल जो गुरु घर पहुंचने की कृपा करें। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह।